melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대. 안녕, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। आप सब भाइयों का अधिकतम मतलब कमेंट आ रहा था ना कि भाई अभी तक उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरों से और वेस्ट बंगाल के कोल्ड स्टोरों की लगभग निकासी कितने परसेंट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम और कई किसान भाई से बात करने वाले हैं कि अभी तक जो कोल्ड स्टोरों की निकासी है लगभग कितनी हो चुकी है। पहले तो हम ही आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो देखिए, जो हम आप लोगों को निकासी का एवरेज बताएंगे वो 100% के हिसाब से निकासी का एवरेज बताएंगे। दूसरा यह है कि जो हम आपको निकासी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट है ये लोगों के अनुमान है, ये कोई क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि इतनी ही है। और जिस किसी भाई के यहाँ की निकासी की रिपोर्ट ना बताई जाए, प्लीज़ अगर उनको पता हो तो वो नीचे कमेंट में जाएं और निकासी की रिपोर्ट नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दें, ताकि और भाई जो हैं वो जाकर कमेंट में देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के कन्नौज से कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में अभी तक कोल्डों की निकासी कितनी परसेंट हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में लगभग जो निकासी का एवरेज है वो 70 से लेकर 75% तक निकासी हो चुकी है उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र में। और ये जो मैं बता रहा हूँ लगभग मानिमो क्षेत्र की रिपोर्ट ली हुई है फ़ोन द्वारा। अब बात करूँ मैं उत्तर प्रदेश के आगरा में, आगरा में जो आलू की निकासी है कोल्डों से लगभग 60 से लेकर 70 के आसपास तक की जो आलू की निकासी की रिपोर्ट है वो है। अब बात करूं मैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में 70% तक निकासी हो चुकी है, 70+ लगभग सभी जगह 70+ निकासी हो चुकी है। आप सबको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। और अगर वहीं बात करूं मैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में लगभग वेस्ट बंगाल की निकासी वहाँ भी लगभग 70+ निकासी हो चुकी है वेस्ट बंगाल में भी। और अगर संभल की बात करें, संभल में 70 से लेकर 72% तक की निकासी हो चुकी है। और अगर वहीं बात करें फरकाबाद की, तो फरकाबाद में भी लगभग 70% तक की निकासी हो चुकी है। और जिस किसी भाई को इस चीज़ का अगर क्लियर अनुमान और ज्ञान हो तो बनी प्लीज़ नीचे कमेंट में जाए ज़रूर लिख दें। और मेरे अनुमान से लगभग सभी जगह की, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, थोड़ी छोटी सी बात है और मैं थोड़ा अपने अनुमान से बता रहा हूँ आप लोगों को कि लगभग सभी जगह 70+ निकासी हो चुकी है। आप लोगों का अनुमान क्या है, आप लोग नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप लोग यह ज़रूर बता दें कि आपने जो वीडियो देखा है आप किसान हैं या व्यापारी हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ।